सब डूब गया। ये देख लो गंगा, यहाँ पे यमुना का रूप है, ये समुद्र। अभी हम कहीं बाहर विदेश में नहीं गए, ये बारिश का रूप है। बारिश अभी तो बारिश पड़ी नहीं है, सब पहाड़ों का पानी है। पहाड़ों से हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का एक बार स्वागत है। तो ये है मेरी लास्ट वीक की वीडियो। हर हर महादेव आप सभी को। तो आज है 15 तारीख और मेरा है महाशिवरात्रि का व्रत, और कान्हा जी की सेवा मैंने कर दी है, भोग लगा दिया। तो मैं आपको एक अच्छी बात बता लूँ, मुझे ये रात ही खुद ही पता था, मैं बाद में डिटेल्स आपको बताऊँगी। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ ग्रेटर नोएडा या और कथा में, और हम जा रहे हैं वहाँ पर। तो मैं बताती हूँ आगे आपको डिटेल्स देती हूँ, अभी बहुत जल्दी में। तो चलो थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। जो स्वाति है ना, उसके साथ में जा रही हूँ ग्रेटर नोएडा, और इतनी ज़्यादा खुश हूँ मैं। कान्हा जी ने मेरी खुद ही व्यवस्था करा दी, हनुमान जी से प्रार्थना करी, उन्होंने खुद व्यवस्था कराई है। तो मैं जा रही हूँ आज सैटरडे शिवांश का स्कूल में, आज उसका पेपर है, उसको वहीं से ले लेंगे। उसका एग्ज़ाम हो गया होगा उसका पेपर, और कल है संडे, तो ये अच्छी बात होगी। और कल मैं शाम तक आ जाऊँगी घर पर, तो मंडे का उसका पेपर है, तो वो भी मिस नहीं होगा। और इस तरह से मेरा एक दिन का कथा में, और हनुमान जी ने मेरे दिल की जो आवाज़ थी, कहते हैं ना प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, दिल से मतलब मेरा मन था, तो उन्होंने खुद ही व्यवस्था कर दी। व्यवस्था ऐसे कर दी थी, जो स्वाति है ना मजाक की मम्मा, तो उनके जो मम्मी पापा हैं, सास ससुर हैं उनके, और उनकी जो ननद है वो रहती हैं वहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, उनके पास वो उनको ड्रॉप करने जा रही हूँ, और वो भी थोड़ी देर कथा में शामिल होंगी। तो इस तरह से मेरी खुद ही व्यवस्था बन गई, और मुझे बहुत खुशी है। तो आप सभी को यही बस, जल्दी जल्दी मैं जा रही हूँ, वो सब नीचे वेट कर रहे हैं, तो मैं निकलती हूँ, और बाकी आपको जाके मिलेंगे कथा में। और जैसे भी होगा फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा कैसी वीडियो बनाऊँगी, बहुत भीड़ तो होगी, लेकिन मैं जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं कान्हा जी को यही छोड़ जा रही हूँ, क्योंकि शिवांश के पापा जो यही हैं, मैं और शिवांश जा रहे हैं उनके साथ, तो एक गाड़ी में इतने सब लोग नहीं आ सकते, तो कान्हा जी यहीं रहेंगे। और मैं उनका भोग लगा दिया, स्कूल जाएंगे हम आगे शिवांश के स्कूल, और यहाँ से शिवांश को लेंगे। आज़ाद तो डर गया, आज़ाद को लग रहा मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आया। आज़ाद भाई को लेके आऊँगी मैं, भाई को शिवांश को लेने जा रही हूँ मैं, तो यहाँ से शिवांश को लेंगे। यहाँ पर मैंने शिवांश को इन्फॉर्म कर दिया, और मैडम उनको बुलाने भूल जाए, तो शिवांश आ जाएगा थोड़ी देर में। शिवांश इधर आ जाओ। तो यहाँ पे शिवांश आ गया है, क्लास से इसका गेट पास बनेगा, तब मैं इसको ले जाऊंगी बैग में। टमाटर दे दो, वो बस गाइस हम आ चुके हैं दिल्ली, आगरा आ चुके हैं, हम कर रहे हैं टमाटर की बात है। टमाटर और उसे आधा काट के, आधा काट के दिया मैंने, देखी थी। और ये हमारा टमाटर है, वो आते हैं आज टमाटर है, और मैं हम आ चुके हैं टोल प्लाजा। नहीं एक्टिंग बिल्कुल वैसी है, टोल प्लाजा आ चुके हैं यहां पर, वो देखो वो अच्छा लग रहा है। ये देखो हमारा शैतान सो रहे हैं। सामने उस पे टोल के ऊपर, अच्छा अब बोलो। देखो इस वाले हाईवे पे बाइक अलाउड है, बल्कि लोग तो स्टंट कर रहे हैं खड़े होकर, नहीं स्टंट कर करके निकल रहे हैं बाइक पे, ये देखो, जबकि इस वाले हाईवे पे अलाउड ही नहीं है बाइक पर, ये देखो स्टंट, देखो पीछे वाला चला रहा है, आगे वाला ऐसे मुझे लग रहा है ना, जहाँ पे वो है ना इलीगल तरीके से चढ़े हुए हैं बीच में से भैया। यमुना जी को देख रही है, यमुना यमुना पे पहुंचे फ्रेंड्स, ये यमुना रिवर है भाई। देखो यमुना का जिस तरह यहाँ से दिख रहा है पूरा डूबा, देखो खेत खलियान, देखो देखो रहे ना, देखो घर भी डूब रहे हैं, घर भी डूब रहे हैं, देखो कहाँ तक यमुना जी पानी गया हुआ, देखो सब पानी निकला, नहीं यहाँ तक कहाँ दिखते थे, कुछ नहीं, देखो कहाँ तक ये सब यमुना जी का पानी है, सामने देखो किसी का वो बना हुआ है पूरा फार्म हाउस टाइप, फार्म हाउस टाइप, सब नदी के बीच में डूब गया।
आश्रम वगैरह सब में भर रहा होगा पानी, सोचा भी नहीं होगा इन्होंने कभी। कितना कितनी हार्ट डूबी हुई है इधर। हार्ट और अभी तो शुरुआत है, बंदा देखो बंदा खुल गया देखो भाई, अभी तो ये लगाना है। क्या खुल गया? बहुत बड़ा हुआ ये, बात बनने आए सही क्या। शिव भक्त भाग रहे हैं भाई यहाँ पे। ओ भाई भाई पूरे कावड़ वाले ही दिख रहे हैं, पूरी रोड पे कहीं आशा योगी जी आने वाले थे, योगी जी आशा आने वाले। और इधर तो यमुना का पानी देख लो, यहाँ तक भी पीछा नहीं छूटा, सब देखो यमुना कितना जबरदस्त। कहाँ तक है वो देखो, वो आगे देखो कहाँ तक है, कहाँ तक सारा पानी पानी है। ओहो देखना भैया वो घर था किसी का, ये सब घर डूबे पड़े हुए, सारे घर डूब रहे हैं। कितने किलोमीटर के एरिया में, कोई लिमिट ही नहीं है इसकी तो। ये बहुत जबरदस्त पानी है भाई, भाई बहुत देखो सब डूब चुके हैं। पेड़ देखो कितने ऊपर तक भरे पड़े हैं, तना वना सब गए। हम इस हाईवे से निकल रहे हैं इधर, लेकिन जमुना का यहाँ पे कभी पानी नामो निशान भी नहीं दिखता था। और अंकल बताओ बताओ बनाओ 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 दोनों तरफ दोनों तरफ जाएगा ये। हाँ मैं तो इसको पूरा ही डालूं एक और पास से ले, रोक लो। हाँ मैं रोको नहीं चलते हुए चलते हुए चलते हुए रोको दिख नहीं रहा, शाइन सा कर रहा है, ऐसी आसमान लग रहा है, ऐसी पानी लग रहा है, पूरा आसमान और पानी एक। ओ भाई ये तो ऐसा लग रहा है समुद्र है, यमुना उमुना कहीं ना समुद्र ही लग रही एंड ही नहीं हो रहा इसका तो। ये भाई इधर ग्रेटर नोएडा में समुद्र आ गया, अभी 37 से 8 पहले होले आए थे 2019 में भाई, केजरीवाल ने जीरो में शहर बोला तो समुद्र बनेगा फिर पहाड़ बनेगी। वाह देखो किसी का 2 मंजिल कर रहा है, एक मंजिल तो डूब ही गया बेचारा। 2 मंजिल का मकान सब डूबा पड़ा बेचारा, बेचारा छत पे बैठा हो बैठा काम उसका गिर जाए कब पता भी नहीं है उसको। ये देखो सब डूब गया फ्रेंड्स, ये देख लो गंगा, यहाँ पे यमुना का रूप है, ये समुद्र। अभी हम कहीं बाहर विदेश में नहीं गए, ये बारिश का रूप है, बारिश अभी तो बारिश पड़ी नहीं है, पहाड़ों का पानी है जा रहे थे और उनकी सबकी नजर उसी पर, स्वाति ने चुप से गमले में वापस रख दिए बड़ी सारी, नीचे देखो मुझसे देखे नहीं गए। सो फ्रेंड्स हमारा रास्ता कब कट गया था पता ही नहीं चला था, तो यहाँ पे ना स्वाति की बात बताते आ रहे थे, तो ऐसे एक फनी सी बात हो गई थी स्कूल में, तो याद करके हंस रहे थे। और यहाँ पे ना क्योंकि लास्ट वीक की वीडियो शिवरात्रि की, तो यहाँ पे कांवड़ वाले थे और अब पहुँच गए हैं फाइनली हम जहाँ अपनी मंजिल पे। तो ये ग्रेटर नोएडा जैतपुर के जो स्टेशन के पास हो रही थी मेट्रो के पास, तो हम पहुँच गए थे फाइनली जहाँ पे कथा हो रही थी, और यहीं पे छोड़ के भैया मुझे चले जाएंगे वापस। तो यहाँ पे प्रसाद खाया उन्होंने, बस गेट तक ही गए थे क्योंकि वापस से जाना था। अंकल आंटी और आंटी की तबीयत ऐसी थी नहीं कि जो आती, तो वो वहीं पर बैठे हुए थे, गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी। यहाँ पर हमने थोड़ा खाया पिया और भैया थोड़ा अंदर तक गए थे, वापस से मुझे यहीं पर छोड़ के फिर मैंने जो अपना बैग था वो ले लिया था, और क्योंकि मुझे तो नेक्स्ट डे आना था, पर मैं जैसे कि आप आने वाली वीडियो में देखोगे नेक्स्ट डे आ नहीं पाई थी, शिवांश की तबीयत हो गई थी ख़राब, तो और मेरी खुद की भी, तो देखना आने वाली वीडियो में। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, सफ़र करके आए थे इतनी दूर से, टाइम का वो इतना निकल गया था पता ही नहीं चला, तो यहाँ पे गन्ने का जूस भी रहता है, मेरा तो व्रत भी था तो मैंने गन्ने का और गन्ने का जूस भी लिया था। अभी बहुत दूर पैदल चलना पड़ेगा, इतनी दूर गेट है, गाड़ी बहुत दूर पार्क हुई है। नहीं आंटी अभी इस टाइम पे ये जय सीताराम सीताराम जय हो बहुत ही बढ़िया देखो मैं जय बागेश्वर।
सो फ्रेंड्स, मैंने कुछ कुछ वीडियोस ना थोड़ी फास्ट स्पीड कर दी थी, क्योंकि पीछे ना लगातार बड़े बड़े यहाँ पे माइक लगे हुए थे, बहुत तेज़ साउंड आ रही थी, और आपको पता ही है जब कॉपीराइट आ जाता है पीछे से सॉन्ग होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट किया, कहीं पे म्यूट किया है, वॉइस ओवर दिया है। तो यहाँ देख ही सकते हैं कितना मेला जैसा लगा है। प्रसाद लिया था, आज़ाद ने खाया, शिवांश ने, भैया खा के, और थोड़ा सा आंटी अंकल के भी ले गई थी साथी, और वापस से मुझे छोड़ के साथी यहाँ से चले जाएंगे। तो अभी आने वाली वीडियो में आप देखेंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हमने सबको घर दिया था, बाय बाय। और बहुत याद भी आ रही थी, लेकिन बहुत अच्छा भी लगा था उन्होंने मुझे वहाँ, उनके वजह से मैं वहाँ पर पहुँच पाई। तो थैंक यू सो मच स्वाति और भैया, आपको एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा उनका भी आशीर्वाद आप पे बना रहे, और उनकी वजह से भी। और जब भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, किसी के साथ, तो आपको वो आश्रय दे ही देते हैं। कहते हैं ना कि आपका इंतजाम ना जब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं तो वो खुद कर देते हैं। तो उनको भी जाना ही था ग्रेटर नोएडा, और बस मेरे को भी जाना ही था, तो दोनों काम हो गए। और बहुत अच्छा लगा था, आने वाली वीडियो में आप बहुत अच्छे से मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत मेरे दिल का, मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, बहुत ही यादगार दिन रहेंगे हमेशा।